सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर्स का सिंडिकेट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन गैंग्स में ज्यादातर यंगस्टर्स हैं और अगर इनकी कुंडली खंगाली जाए तो ऐसा लगता है कि अपने शौक से ये ऐसे गैंग्स में शामिल होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन कौर, आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। और इन दिनों ऐसे ही एक गैंगस्टर का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाम है योगेश कादियान। चलिए बताते हैं आपको कौन है 19 साल का योगेश कादियान और कैसे जुर्म की दुनिया में उसकी एंट्री हुई। योगेश कादियान खुद को दिल्ली का दाऊद कहलवाता है। योगेश कादियान गैंगस्टर नीरज बवाना का करीबी है। नीरज बवाना बम्बीहा गैंग के सिंडिकेट का हिस्सा है। ये वही बम्बीहा गैंग है जिसकी गोल्डी के गैंग से रंजिश चलती है और इसी बम्बीहा और गोल्डी गैंग वॉर की लड़ाई में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इन गैंगस्टर्स के तार आपस में ऐसे ही जुड़े हैं। भोली भाली शक्ल वाला 19 साल का ये लड़का जिसके कांड आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये किसी तैश में आकर बदमाश बना है। योगेश कादियान ने 30 सितंबर 2022 को रोहतक में एक बाइक सवार दूध वाले प्रवीण बिंदा को गोली मार डाली थी जिससे उसकी मौत हो गई और योगेश चर्चा में आ गया। ऐसी ही कई और वारदातों के पर्चे योगेश पर दर्ज हुए। नाम बम्बीहा गैंग से जुड़ा, जिसके बाद NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली। योगेश वारदातें करके फरार था। हरियाणा के अलावा देश के कई हिस्सों में तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। बाद में पता चला कि योगेश कादियान नकली पासपोर्ट लेकर भारत से भाग गया और अमेरिका पहुंच गया है। इसी बीच कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप निज्जर की हत्या हो गई। NIA ने भारत में निज्जर के साथियों और बाकी गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए तलाशी शुरू की और उस समय तलाशी की सूची में हरियाणा के गैंगस्टर कादियान का नाम भी शामिल था। जिसके बाद 19 साल के इस लड़के पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। योगेश कादियान लगभग 6 महीने पहले अपने घर से निकला था। उसके बाद से वो कहाँ है ये उसके घर वाले भी नहीं जानते। योगेश के पिता और भाई गांव में ही खेती करते हैं। परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। योगेश कादियान ने गांव में ही 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट्स कुछ गैंगस्टर्स के साथ हो गए और उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया और दिल्ली का दाऊद बन गया। फिलहाल योगेश अमेरिका में छुपा है और अपने गैंग के साथ वहां से भारत में गैंगस्टर्स का सिंडिकेट चला रहा है।